मोहल्ला सो रहा है और आप मेरा जाने हम देखे 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 फ्रेंड्स कितनी कम हेलो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं टाइम ये 10:30 बजने वाला है और हम लोग खाना वाना खा के देखिए मच्छरदानी मैंने लगा दी थी, ये भी लेट गया था, बाबू भी तो लेटा ही था और हम लोग लेट गए थे। फिर भाई आया, उसने बोला कि मुझे चाउमीन खानी है, दीदी मुझे अभी चाउमीन बना दीजिए और मैं भी खाऊंगा। खाना नहीं था उसको, मैं भी खाऊंगा चाउमीन। रात के 10:30 बजे हमारे यहाँ चाउमीन बनने जा रही है और मैं भी खाऊंगा चाउमीन। ये भी चाउमीन के लिए उठ गए हैं क्योंकि ये भी लेट गए थे तो चाउमीन का नाम सुन के ये भी उठ गए हैं और मुझे भी नींद आ गई थी क्योंकि हम भी अम्मा जी के साथ हेल्प करूंगा। नहीं, तुम मत हेल्प कराओ, ये भी अम्मा जी के साथ हेल्प कराएंगे। देख लीजिए आप लोग, बाबू लेटा हुआ है और ये देखिए लेटे हुए हैं। खेले खेलू खेलू कर रहे हो, चाउमीन खानी है, मामा जी लेकर आए हैं। अरे देखिए मम्मी यहाँ सब्जियों को काट रही हैं। क्या हेल्प कराओगे मम्मी की? ये देखिए बाहर सब पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, पूरा मोहल्ला सो गया। हमारे यहाँ क्या बन रही है, क्या बन रही मम्मी? चाउमीन। ये देखिए मैं भी बाहर का थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, देख रहे हैं आप। बाबू रोने लगा था तो इसलिए मैं बाहर चली गई थी और यहाँ पर मैंने चाउमीन चढ़ा दी है। पकड़ी चाउमीन क्या कह रहे हो दोस्तों, ये आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? चलो रुक जाओ, इनकी बातें सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हो आप? कहो करूँगा और अरे चाउमीन बनने वाली है आज हमारे यहाँ और सब मोहल्ला सो रहा है और मेरा चाउमीन बनेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी बाय बाय नहीं होगा, अभी चाउमीन बनेगी, वो रेसिपी मुझे आपको दिखानी है तो अभी मैं चाउमीन बनाऊंगी, उसके बाद में खाने के बाद में तब बाय बाय गुड नाइट सबसे करेंगे, ठीक है? अभी नहीं तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चाउमीन बॉयल हो चुकी है, नूडल्स बॉयल हो चुके हैं और उसके बाद छान लेती हूं। मैं कुछ करूं, मम्मी ने ये सब्जियां काट के रख दिए हैं चलो हो गई तुम्हारी बात, वाला लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय राम। चलिए हो गई बात। तो यहाँ नूडल्स बॉयल हो चुके हैं और ये देखिए उज्जवल तो यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, बोल रहा था कि बुआ जी मैं यहीं बैठकर देखूंगा कि आप कैसे बना रही हो, मैं भी सीखूंगा। तो मैंने इससे बोला कि थोड़ा और बड़े हो जाओ फिर बनाना सीखना, फिर कुकिंग करना। तो खैर किसी तरह समझाने बुझाने के बाद वो यहाँ से चला गया है और अब मैंने यहाँ पर नूडल्स को ठंडे पानी में डालकर छान लिया है और सब्जियाँ कटी ही हुई रखी हुई हैं। अब मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर दी है और लिया है पैन, पैन में डाला है थोड़ा सा ऑयल और इसको फैला लेंगे चारों तरफ। ये देखिए अब मैं इसमें कटी हुई प्याज डाल दूँगी, प्याज को मैंने लंबा लंबा काट लिया था और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी थोड़ा सा।
बस ब्राउन नहीं करना है, क्रंची ही रहे, सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा, बस इतना ही भूनना है हमें। और अब मैं इसमें कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी भी डाल दूँगी और थोड़ा सा ऐसे ही तेज आँच पे इसे भून लेना है, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं, वेजिटेबल्स जो होती हैं, वो क्रंची ही अच्छी लगती हैं, चाहे फ्राइड राइस हो चाहे चाउमीन हो। तो ये थोड़ा क्रंचीपन रहे इसमें, बस इतना ही हमें भूनना है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी रेड चिली सॉस, थोड़ा सा टोमेटो केचप, ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस, ये सब मैंने डाल दिया अच्छे से, और थोड़ा सा भून लेंगे इसको। आप इसमें अजीनोमोटो भी थोड़ा सा डालें तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। मैंने यहाँ डाला है थोड़ा सा सॉल्ट, और डाल के अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। एक्चुअली अजीनोमोटो था नहीं मेरे पास, तो इसलिए था क्या, थोड़ा सा रखा हुआ था बट मैं भूल गई थी डालना। तो यहाँ पर फ़िलहाल आप जब बनाएं तब उसको ज़रूर डालें, क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा आ जाता है। तो मैंने यहाँ ये देखे जो नूडल्स बॉयल करके रखे थे, छान के रखे थे ठंडे पानी से, वो मैंने डाल दिए हैं। और ये देखे, मैंने फ़ोर्क की सहायता से इसको जो है ना ऐसे ऐसे सब मिक्स करना है, ताकि सारा जो सॉस है वो सब सारी चाउमीन में मिक्स हो जाए। तो यहाँ मैं इसी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ उज्जवल को मैंने निकाल कर दे दी चाउमीन। कैसी लग रही है खाने में? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, टेस्टी है। कड़वी तो नहीं है? थोड़ी सी कड़वी, थोड़ी सी कड़वी है। कुछ नहीं उसमें पड़ा हुआ है, मिर्चा डाला है। मिर्चा कहाँ डाला है? और क्या चीनी डाल के चाउमीन बनती है? चीनी डाल के थोड़ा ना बनती है? तो दोस्तों, मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए ले ली थी। वैसे मैं खाना खा चुकी थी, मम्मी भी खा चुकी थी, तो किसी का मन नहीं था खाने का, तो भाई लेकर चला गया अपने रूम में, और ठीक बनी थी। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे चाउमीन बनाते हैं, उनके हाथों चाउमीन बनाते हैं। कहाँ इतने चाउमीन, देखे 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 फ्रेंड्स, इतनी कम चाउमीन बता रहा है, इतने चाउमीन कौन खाता है? ये अपने फूफा जी की नकल उतार रहा। मैंने अपना दूध गर्म कर लिया है, तो अभी इसको पियेंगे। और ये देखिए इनकी पोटी कर रहे हैं, ये देखिए क्या हो रहा है, पोटी छोटी हो रही है क्या? पोटी कर रहे हो? पोटी कर रहे हो? कौन छाप करेगा? मम्मा नहीं छाप करेंगी। तो ये कर रहे हैं पोटी, और अब मैं अपने ब्लॉग का भी यही एंड कर दूंगी, क्योंकि मुझे करनी है पोटी साफ। तो दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग का यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में, यानी कि संडे की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सुबह आप लोगों से तब मिलते हैं, जब सुबह के तो आप सुबह तुम्हें स्कूल जाना है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। सुबह ब्लॉग आपको कैसा लगा लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।